नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपने करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 29 जुलाई 29 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दें आप सभी लोग, और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर की क्लास में हम 29 जुलाई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करूँ उसके पहले कहना चाहूँगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों को उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया है। तो देखिए, एक योजना चलाई जा रही है अमृत भारत स्टेशन योजना, इसके तहत स्टेशनों का क्या किया जा रहा है, निर्माण कार्य किया जा रहा है, ठीक है, उनका विकास किया जा रहा है। और इस योजना के तहत अभी हाल ही में कितने रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया गया है उनका विकास करने के लिए दोस्तों। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं और इसका करेक्ट आंसर है 1309, ठीक है, स्टेशन को। यहाँ पे हाल ही में भारतीय रेलवे स्टेशन के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अमृत भारत स्टेशन योजना किससे संबंधित है, तो नाम से ही पता चल जा रहा है, स्टेशन योजना यानी कि भारत के जो रेलवे स्टेशन है उनका विकास करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। और इस यह जो योजना है इसके बारे में बात करें तो ये एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है, ठीक है, इस योजना के माध्यम से। और इस योजना में अब तक कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई दोस्तों, 1309 रेलवे स्टेशनों की, जिन्हें, ठीक है, NFR, जिनमें देखा जाए तो NFR जोन के 35 रेलवे स्टेशन भी शामिल है, ठीक है, नॉर्थ फ्रंटियर रीजन जो है उनके रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे जो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे है, ठीक है, उनमें 35 रेलवे स्टेशनों को जो है चुना गया है। तो इस जोन को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत भारत पहल के हिस्से के रूप में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। इन 35 प्रमुख रेलवे स्टेशनों में कौन कौन से दोस्तों, तो गुवाहाटी है, डिब्रूगढ़ है, कामाख्या, कटिहार, ठीक है, यहाँ पे कोकराझार, सिलीगुड़ी टाउन, तिलचर, न्यू तिनसुकिया, दिमापुर, न्यू, ठीक है, बोंगाईगांव और अन्य शामिल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के 35 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है इस अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, और जिनका क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। इस स्कीम में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई, जैसा कि भी पीछे बताएगा। जो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है दोस्तों, उसमें 2563 करोड़ की अनुमानित लागत से, ठीक है, इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण मोड में इसको क्या किया जाएगा, बदला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, 1309, जिसमें से बात किया जाए पूर्वोत्तर, ठीक है, सीमांत रेलवे के 35 रेलवे स्टेशन जिसमें शामिल है। आइए दोस्तों, यहाँ पे एक और भी बात कर लेते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया कि मुंबई में जो रेलवे स्टेशन है दोस्तों, जिसका नाम है, ठीक है, भायखला रेलवे स्टेशन, जो कि 169 ईयर्स जो है पुराना है, इसने अपने मूल गौरव को बहाल करने के लिए इसको जो है यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार जो पुरस्कार यूनेस्को का, वो अभी हाल फिलहाल में किस रेलवे स्टेशन को दिया गया है, तो भायखला रेलवे स्टेशन है जो कि मुंबई में स्थित है, ठीक है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किसके द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर पहल लॉन्च किया गया है। तो मेरा गांव मेरी धरोहर जो पहल लॉन्च किया गया है वो केंद्रीय मंत्री यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक अनूठी पहल शुरू किया है जिसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर पहल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अमृत महोत्सव के तहत इसे शुरू किया गया है, ये एक अनूठी पहल है जिसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर। किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। इसके तहत क्या किया जाएगा, तो यह राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के तहत सांस्कृतिक मंत्रालय की एक अखिल भारतीय पहल है। आपसे पूछा जा सकता है कि मेरा गांव मेरी पहल जो है, माफ करिएगा, मेरा गांव मेरी धरोहर जो पहल है वो किस मंत्रालय के तहत है, तो संस्कृत मंत्रालय के तहत एक अखिल भारतीय पहल है। इसके तहत जो है संस्कृत मंत्रालय ने, ठीक है, इस परियोजना को जो शुरू किया है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सहयोग से राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के अंतर्गत
मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना को शुरू किया है, ठीक है, किसके सहयोग से, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला के कला केंद्र के सहयोग से। मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों इस परियोजना का, तो इसमें जो 28 राज्य और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो जो ठीक है जितने भी क्षेत्र में फैले हुए हैं, उन फैले हुए भारत के लगभग 6.5 लाख गाँव को एक व्यापक आभासी ठीक है मंच पर सांस्कृतिक रूप से मैप करना है। तो मैपिंग दिखाई जाएगी 6.5 लाख गाँव का, ठीक है, इस मेरा गांव मेरी धरोहर पहल के द्वारा, ठीक है, किसके कौन से मंत्रालय दोस्तों, तो सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत इसे शुरू किया गया, ठीक है। यहाँ पे एक और भी अभियान की बात कर लेते हैं जिसका नाम है मेरी माटी मेरा देश। तो भारत सरकार ने आजादी के 75वें वर्ष पूरे होने के जश्न में देखिए क्या मना रहा, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और इसी अमृत महोत्सव के तहत कई सारे पहल अभियान की शुरुआत की गई है राज्य यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा, जिसमें से एक अभियान है जिसका नाम है मेरी माटी मेरा देश, ठीक है, अभियान शुरू किया। इसमें क्या किया जाएगा इस अभियान के तहत, तो देश के जो विभिन्न हिस्से हैं दोस्तों, उन विभिन्न हिस्से से अलग अलग क्षेत्रों से मिट्टियों को इकट्ठा किया जाएगा, और फिर उन मिट्टियों का उपयोग कहाँ किया जाएगा, तो दिल्ली का जो कर्तव्य पथ है दोस्तों उसके किनारे एक वाटिका बनाया जा रहा है जिसका नाम है अमृत वाटिका उद्यान, ठीक है, इसी अमृत वाटिका उद्यान को विकसित करने के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मेरी माटी मेरा देश जो है वो अमृत वाटिका उद्यान में इन मिट्टियों का इस्तेमाल करके पेड़ लगाए जाएंगे, ठीक है, उस उद्यान का विकास किया जाएगा इस अभियान के हिस्से के रूप में, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ये जलवायु परिवर्तन पर जो अंतर सरकारी पैनल गठित हुआ है उसके नए अध्यक्ष जो बने हैं वो बने हैं जेम्स स्कैया, ठीक है, स्कैया, आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, जेम्स स्कैया जो है वो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के, ठीक है, नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, आप ये है ये, ठीक है, जेम्स, ठीक है, जेम्स स्कैया है, ये कहाँ के हैं दोस्तों, तो ये यूनाइटेड किंगडम के हैं, ठीक है, जेम्स फर्ग्यूसन जिम स्कैया को केन्या के नैरोबी, ठीक है, केन्या की जो राजधानी नैरोबी वहां पे जो है एक जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जो है बना था उसी में इनको अध्यक्ष के रूप में चुना गया, ठीक है। इनके जो निकट प्रतिद्वंदी थे ब्राजील के थेल्मा क्रूक, ठीक है, उनको 69 वोट मिले थे, इनको 90 वोट मिले हैं, तो इन्होंने किसको जो है पछाड़ा है दोस्तों, तो जो ब्राजील के थेल्मा क्रूक है उनको इन्होंने पीछे करके ये पद हासिल किया है। अध्यक्ष के लिए चुनाव जो है वो नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुख्यालय में आयोजित किया गया था, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, नैरोबी में, ठीक है, नैरोबी में है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है उसके नए अध्यक्ष जो बने हैं वो यूनाइटेड किंगडम के जेम्स स्कैया बने हैं। यहाँ पे कुछ और भी जो है अपॉइंटमेंट देख लेते हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में थी, जैसे कि यूनाइटेड अरब अमीरात के विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर थानी अल जेउदी, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन्हें WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है ये अबू धाबी में ही होगा, ठीक है, और वहीं पे देखा जाए इनको जो है डॉक्टर थानी अल जेदी को WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं बात करें नोएडा प्राधिकरण का नया अध्यक्ष, नया CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो लोकेश एम को जो है नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय के 75वें वर्ष के समापन समारोह में भाग लिया है, तो 75वें वर्ष का समापन समारोह अभी हाल ही में आयोजित किया गया है किस उच्च न्यायालय का, जिसमें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई हैं, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर इज डी उड़ीसा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें उड़ीसा जो है यहाँ पे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 26 जुलाई 2023 को कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय के 75वें वर्ष के समापन समारोह में भाग लिया, उन्हें संबोधित किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में 26 जुलाई को उड़ीसा उच्च न्यायालय का 75वां वर्ष जो है समापन समारोह मनाया गया है, और इसी समापन समारोह में जो एक सम्मेलन किया गया जिसमें उपस्थित हुई श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और उन्होंने सभा को संबोधित भी किया। बात करें यहाँ पे उड़ीसा उच्च न्यायालय के 75वें वर्ष समारोह के बारे में उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि उड़ीसा उच्च न्यायालय ने 75 वर्ष की अपनी गौरवशाली यात्रा में कई उच्च मापदंड जो है वह स्थापित किए हैं। यहाँ पे उड़ीसा उच्च न्यायालय की दोस्तों बात किया जाए तो इसकी जो स्थापना हुई थी 26 जुलाई 1948 को हुई थी, ठीक है, आजादी के ठीक नेक्स्ट ईयर हुई थी इसकी स्थापना,
और इसकी जो जो बात करें इसके बारे में, तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा, जो कि अब उड़ी, ठीक है, पहले उड़ीसा कहा जाता था, इसे अब उड़ीसा कहा जाता है, को एक अलग प्रांत बनाया गया, लेकिन इसके लिए कोई अलग उच्च न्यायालय नहीं था पहले। देखिए, ये अलग 1936 में उड़ीसा जो है एक अलग प्रांत बना, लेकिन उस समय जो है इसके लिए कोई अलग से उच्च न्यायालय नहीं था। बाद में आगे करके जो है भारत सरकार आगे जा करके नया उच्च न्यायालय बनाने के लिए सहमत हुई, और 30 अप्रैल 1948 को भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 229(1) के तहत उड़ीसा उच्च न्यायालय आदेश 1948 जारी किया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कब स्थापना हुई थी, 26 जुलाई 1948 को हुई थी, ठीक है। और अच्छा, उड़ीसा राज्य कब अलग हुआ था, अलग प्रांत बना था, 1936 में, 1 अप्रैल 1936 में, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे। आइए बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है, जिसमें से पहले हम नियुक्ति बात करेंगे। देखिए यहाँ पे ये केरला उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं 38वें नंबर के, जिनका नाम है न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई। तो न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई किस न्यायालय के उच्च मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो ये केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और इनको देखा जाए शपथ किसने दिलाई, तो केरल के जो राज्यपाल है दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने नव नियुक्त मुख्य न्यायाधीश को क्या किया है, शपथ दिलाई है। वही बात करें दोस्तों बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो केंद्र सरकार ने जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को, ठीक है, किसे, देवेंद्र कुमार उपाध्याय को बॉम्बे उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो ये उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी दोस्तों, जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच, ठीक है, तलिस्मान सैब्रे संयुक्त सेना अभ्यास शुरू हुआ है। तो ये तलिस्मान सैब्रे जो कि एक संयुक्त सेना अभ्यास है, जो ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है दोस्तों, तो ये किया जाता है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में, जिसका हाल ही में अभी शुरुआत की गई है। तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने, ठीक है, तलिस्मान सैब्रे संयुक्त सेना अभ्यास शुरू किया है। ठीक है, बात करें दोस्तों ये अभ्यास जो कि बहुत बड़े पैमाने पर बल और एकता का प्रदर्शन करता है, इस अभ्यास में देखा जाए दोस्तों तो इसमें 30,000 से अधिक जो है सैनिक और 11 अन्य देशों के प्रतिभागी भी शामिल हुए हैं। ठीक है, और अब तक का ये सबसे बड़ा जो है सभा रही, इतने लोग एक साथ इकट्ठे हुए। इस अभ्यास की बात किया जाए तलिस्मान जो कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में आयोजित की जाती है, ये 2 साल में आयोजित होती है दोस्तों, और इस साल जो कि इसका आयोजन अभी शुरू हुआ है, इसमें सैन्य कर्मियों की अब तक की सबसे बड़ी जो है संख्या शामिल हुई है। आप देख रहे हैं 30,000 से अधिक सैनिक है, 11 अन्य देशों के जो है प्रतिभागी भी शामिल हुए हैं इसमें। यहाँ पे हम बात करें, यह अभ्यास चूंकि इस समय हो रहा है बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है, क्योंकि अगर हम देखें चीन जिस तरीके की आक्रामक रवैया बढ़ा रहा है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में जिस तरीके से अपना आक्रामक प्रभाव बढ़ा रहा है, उसको काउंटर करने के लिए यह अभ्यास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बात करें तलिस्मान सैब्रे अभ्यास की दोस्तों, जो कि पहली बार 2005 में शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य क्या है इस अभ्यास का आयोजन, तो ये जो है सैन्य सहयोग जो दोनों देशों के बीच में सैन्य सहयोग को मजबूत करता है, जो सहयोगी देश है दोस्तों उन देशों के बीच तत्परता बढ़ाने के लिए इस अभ्यास को डिजाइन किया गया था। ठीक है, तो तलिस्मान सैब्रे जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में आयोजित किया जा रहा है। अमेरिका से संबंधित कुछ और भी न्यूज देख लेते हैं, जैसे कि अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला जो बनी है दोस्तों वो बनी है लीसा क्रेंचिटी। वही अमेरिका ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियां सौंपी है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एसोचैम ने किस शहर में पर्यावरण सामाजिक और शासन पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया है, तो पर्यावरण सामाजिक और शासन पर वैश्विक सम्मेलन जो हो रहा है उसका आयोजन एसोचैम के द्वारा किया जा रहा है, कहां पे दोस्तों, दुबई में। ठीक है, तो वाणिज्य और भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल ने दुबई में पर्यावरण सामाजिक और शासन पर ठीक है वैश्विक सम्मेलन का जो आयोजन किया है, ठीक है, कहाँ पे, दुबई में किया है, किसके द्वारा, यहाँ पे एसोचैम यानी कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल के द्वारा किया जा रहा है। सम्मेलन के अंतर्गत व्यवसाय में पर्यावरण सामाजिक और शासन के तौर तरीकों से संबंधित आवश्यक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है। तो पर्यावरण से संबंधित सामाजिक मुद्दे, शासन के जो तौर तरीके, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो आवश्यक चीजें हैं, उन पहलुओं पर चर्चा किया गया है इस सम्मेलन के दौरान। उद्देश्य क्या है इसका, तो रणनीतिक व्यावसायिक निर्णयों में पर्यावरण सामाजिक और शासन जैसे कारकों को एकीकृत करना, वित्तीय बुनियादी ढांचे और स्थिरता पर उनके प्रभाव पर विचार विमर्श करना, ये इसका उद्देश्य है।
सम्मेलन का उद्घाटन दोस्तों जो भारत के महावाणिज्य दूतावास के महावाणिज्य दूत हैं जिनका नाम है श्री कैली, ठीक है, श्री के कालीमुथु, उनके द्वारा जो है इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, जिसका आयोजन किया जा रहा है एसोचैम के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पर्यावरण, सामाजिक और शासन पर जो वैश्विक बैठक हुई है, सम्मेलन हुआ है दुबई में, किसके द्वारा? एसोचैम के द्वारा। यहाँ पे बात कर लेते दोस्तों जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का भी आयोजन किया गया, कहाँ किया गया था? दुबई में किया गया था। देखा जाए अभी हाल ही में मनसुख, जो डॉक्टर मनसुख मांडविया हैं, उन्होंने प्लास्ट इंडिया सीईओ कॉन्क्लेव का अध्यक्षता की, और ये कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि प्लास्ट इंडिया सीईओ, ठीक है, कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए एक तीसरा पॉइंट भी है, जो तीसरी G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन हुआ है, कहाँ हुआ है दोस्तों? चेन्नई में हुआ है, ठीक है। तो ये तीसरा जो है G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई थी। अगले पृष्ठ पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा, की निम्न में से कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में भूजल कानून लागू किया गया है? तो कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में भूजल कानून लागू किया गया दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है सी है, यानी कि 21। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने संसद को जानकारी दिया है कि 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भूजल कानून जो है वो लागू किया गया है। किसके द्वारा किया जा रहा है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इस कानून में वर्षा जल संचयन का जो है प्रविधान है। तो जो वर्षा जल होता है, जो वर्षा से जल होता है उसका संचयन करना, यही क्या है? भूजल कानून है। और ये जो है मंत्रालय के अनुसार अब तक कुल 21 जो 21 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के में मॉडल विधेयक की तर्ज पर भूजल कानून लागू किया गया है। इनमें देखिए कौन कौन है? आंध्र प्रदेश है दोस्तों, असम है, बिहार है, गोवा है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र है। और बात करें यहाँ पे दोस्तों, नागालैंड है, उड़ीसा है, पंजाब है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, बंगाल, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। तो ये जो है 21 केंद्र शासित के जो 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे ये जो है भूजल कानून लागू हुआ है, जिसकी सूचना जानकारी दी गई केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा संसद को। तो वो चीज ध्यान रखेगा, ये हम लोगों ने देखा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक का आयोजन कहां किया गया? तो ये 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक का जो आयोजन किया गया है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में किया गया, ठीक है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो 8वीं डिफेंस पॉलिसी यानी कि रक्षा नीति की वार्ता आयोजित की गई है, कहां पे किया गया है? तो जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है वहां पे इसका आयोजन किया गया। इस बैठक की जो इस वार्ता की जो सह अध्यक्षता की गई है वो रक्षा मंत्रालय की जो विशेष सचिव है निवेदिता शुक्ला, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, निवेदिता शुक्ला वर्मा, और यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया रक्षा विभाग के जो कार्यवाहक उप सचिव है स्टीफन मूर, उनके द्वारा जो है इस बैठक की सह अध्यक्षता की गई है। यहाँ पे हम बात करें, भारत ऑस्ट्रेलिया ने जो ये व्यापक रणनीतिक साझेदारी जो है कब से इन लोग आयोजित कर रहे हैं? तो जून 2020 से ये दोनों देश जो है एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी जो साझा कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो कहाँ पे दोस्तों आयोजित किया गया है 8वीं डिफेंस पॉलिसी टॉक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पे किया गया दोस्तों? ये किया गया दोस्तों नई दिल्ली में, ठीक है। प्रधानमंत्री नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर का उद्घाटन किया गया। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन यानी कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर परिसर का उद्घाटन किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन कहाँ आयोजित की जा रही है दोस्तों? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ? प्रगति मैदान में। उन्होंने इसी के साथ साथ G20 सिक्के और G20 टिकट का भी अनावरण किया। इस परिसर का नाम देखिए क्या रखा गया है? भारतीय मंडप रखा गया है, जो भारत के समर्थ और देश की नई ऊर्जा का आह्वान करते हैं। भारत मंडप नाम के पीछे का प्रेरणा कौन है? भगवान, ठीक है, बसवेश्वर का अनुभव मंडप है। यहाँ पे अनुभव मंडप परिचर्चा और अभिव्यक्ति की परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है।
भारत मंडप देश के स्टार्टअप की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। साथ ही यह कलाकारों और अभिनेताओं के प्रदर्शन का गवाह बनेगा और हस्तशिल्प कारीगरों के प्रयासों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे नई दिल्ली में जो है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्रीय परिसर का उद्घाटन किया गया। इस परिसर का नाम क्या है? भारत मंडप है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। आते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ कि हाल ही में किसके द्वारा हिट इंडेक्स लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा हिट इंडेक्स लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है IMD के द्वारा। ठीक है, यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जो है प्रयोग के तौर पर देश के जो विभिन्न हिस्सों के लिए हीट इंडेक्स जारी किया गया है। तो किसके द्वारा? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जो है एक प्रयोग के तौर पर विभिन्न भारत के जो देश के विभिन्न हिस्से वहां पे हीट इंडेक्स जारी किया गया है। यहाँ पे बात करें, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने भारत के गर्म क्षेत्रों के लिए सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा प्रायोगिक आधार पर हीट इंडेक्स शुरू करने की घोषणा की, जहां लोग उच्च तापमान के कारण असहज हैं। यहाँ पे हम बात करें, देखिए वही लाइन सेम है, इसको हम लोग ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे। अगली लाइन है, हीट एक्शन प्लान के तहत भुवनेश्वर और अहमदाबाद के लिए हीट इंडेक्स जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान जैसी स्थानीय एजेंसियों के सहयोग से परियोजना मोड के तहत किया गया है। तो किसके किसके सहयोग से दोस्तों? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था है, और साथ ही साथ बात करें तो ये जो हीट इंडेक्स है वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इन लोग के सहयोग से इसको जारी किया गया है। तो हीट इंडेक्स किसके द्वारा दोस्तों जारी किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि हाल ही में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिला है। कहाँ मिला है दोस्तों? UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में नया वेरिएंट मिला है। किसका? कोरोना वायरस का। चीन के जो सेंट्रल बैंक, जो केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर बने, कौन बने हैं? पेन गोंग सिंह जो है वो नए गवर्नर बने हैं। टाटा मोटर्स ने अपना नया अध्यक्ष और CDIO नियुक्त किया, किसे किया है? राजेश कन्नन को किया है। हाल ही में CRPF का 85वां स्थापना दिवस मनाया गया। कब मनाया? कहाँ मनाया गया? 27 जुलाई को मनाया गया। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर कितनी कर दी करेगी? तो 65 वर्ष करेगी। तो ये था दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे। अब बात करते हैं टॉप 10 स्टैटिक्स जीके के बारे में। तो हमारा सबसे पहला स्टैटिक्स जीके है कि गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या था दोस्तों? वस्त्र उद्योग था। अकबर ने दहशाला प्रणाली लागू की थी, कब की थी? 1580 में दहशाला प्रणाली को लागू किया था। संविधान सभा ने डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था, कब किया था? 24 अगस्त 1947 को किया था। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? डॉक्टर अंबेडकर जी की अध्यक्षता में 24 अगस्त 1947 को। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की अध्यक्षता की गई, किसके द्वारा की गई? विट्ठल भाई पटेल जी के द्वारा किया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की। ऋग्वेद है दोस्तों, स्रोतों का संकलन जो है वो ऋग्वेद है। अगला है, धुआंधार जलप्रपात स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में स्थित है धुआंधार जलप्रपात। अगला है, रेडियो कार्बन डेटिंग में निर्धारण होता है जीवाश्मों की आयु का। ठीक है, रेडियो कार्बन जो डेटिंग होती है उसमें जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किया जाता है। अगला है, फोकस बाजार योजना की घोषणा केंद्र सरकार ने किस वित्तीय वर्ष द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा किस वित्तीय वर्ष में की गई थी? तो 2006 से 2007। ठीक है, फोकस बाजार योजना की। भसीम पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो विज्ञान के क्षेत्र में जो है भसीम पुरस्कार दिया जाता है। अगला है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, किससे करवाया? औरंगजेब ने। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। और डेली करंट अफेयर की जो दोस्तों PDF है
वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जाइए डाउनलोड करिए, और ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि साथ ही साथ अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए। और कल है दोस्तों संडे, तो ध्यान रखिएगा आज मैंने आपसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। कारण ये है कि आज सिर्फ और सिर्फ कल का पूरा दिन आप लोग रिविजन करेंगे, जितना भी अभी तक का करंट अफेयर पढ़ाया गया है उसकी जो लोग भी शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं वो लोग रिविजन करें, जो नहीं बना रहे कल का दिन जो है यूटिलाइज करिए। अभी कोई संडे मंडे अभी आपके लिए नहीं है, ठीक है, संडे मंडे उनके लिए जो वर्किंग है। आप लोग को अभी सिलेक्शन लेना है, अभी तो आप लोग मैदान में उतरे भी नहीं है, अभी आपको मैदान में उतरना है, जंग लड़नी है, तो उसके लिए कोई संडे मंडे नहीं, रेगुलर जो है अपने दिन को यूटिलाइज करिए। फिर मिलेंगे दोस्तों हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।